जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। क्लास चैप्टर EVS तारीख हो गई आज 19/8/21 ओके। और इक्कीस में आपका फिर स्वागत। लेसन नंबर 5 है, देखिए कौन कौन से खेल जगह अधिक है, ये मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको। अब आपको करना है कि जब जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर सहयोग का भाव बनता है। क्या बनता है? सहयोग का, एक दूसरे को सहयोग शांति, उनसे खेल की भावना विकसित होती है। क्या होती है? खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर और वन में कमरे में खेल जाने वाला इंडोर होता है। तो अंदर खेले जाने वाला खेलों को इंडोर खेल कहते हैं, ठीक है। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी का मैच दिखाए जाते हैं, जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे हैं। कोई समय ऐसा था तो भारत में और अधिकतर हॉकी और कबड्डी चला जाता, तब आने वाले समय में क्या आ गया है? क्रिकेट आ गया है। लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले में मैदान में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। क्या खेलते देते हैं? कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखाई देते हैं। क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट भी खेलने, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल बहुत सारे बच्चे क्रिकेट भी देखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। जहाँ जगह मिल गई वहीं बच्चे खेलते हैं। मैदान की उनको आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के लिए इतना बड़ा मैदान उपलब्ध हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जहाँ जगह मिल गई वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि पहले के समय में लोग अधिकतर खेतों में काम किया करते थे, दौड़ भाग धूप करते, इसलिए कम बीमार पड़ते। लेकिन आजकल अधिकतर लोग बैठ करके काम करते हैं, इसलिए उनको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ता है और उनको व्यायाम भी करनी पड़ती है। अतः योग में अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ हम योग के बारे में भी जाने। देखो योग ये क्या है? सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार 10 तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सूर्य नमस्कार के बाद में हमें रोज़ाना सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए। योगासन, इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षक द्वारा निर्देश के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास भी अपने को करना है। जैसे अलग अलग है, ताड़ासन कौन कौन से हैं देखिए, एक ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है और सूर्य नमस्कार है। ये बहुत से आसान समूह है। क्या है? आसान, सरल है, इजी है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहरण धारणा ध्यान और समाधि का समावेश है। किसका है? समाधि का। समाधि का मतलब होता है शांत पूर्व बैठ करके भगवान की ईश्वर की प्रार्थना करना और अपना ध्यान किसकी तरफ होना? ईश्वर की तरफ होना, इसको बोलते हैं ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद किसी को कर देता है, ये होता है कि एकदम समाधि का मतलब मरण सन होके हमें दुनिया को भूल करके और ईश्वर का ध्यान देना, ये क्या है? समाधि है। और अष्टांग योग यम नियम आसन और सीधा बैठना, प्राणायाम करना यानी हवा को अंदर बाहर करना, प्रत्याहार धारणा करना, एकदम ऊपर नीचे होना, ये इस प्रकार के ये क्या है? योगासन है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आप अगर स्कूल में विद्यालय में है तो आपका ध्यान सिर्फ विद्यालय और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले किताब या पुस्तक पर ही होना चाहिए, न कि आपका ध्यान किसी और की तरफ हो। इसमें इसे जीवन जीने की कला का विकास होता है। क्या होता है? जीवन जीने, हम किस प्रकार हमारी जिंदगी जीने, उस प्रकार की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और जीवन के प्रति अच्छी सोच, सकारात्मक होता है पॉजिटिव थिंक यानी अच्छी सोच के दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित होता है, हमें मिलता है, प्रदान होता है। योग जिस प्रकार विकसित होना, मतलब जिस प्रकार हम छोटे से बड़े होते हैं, इसी प्रकार हमारा बुद्धि भी दिमाग तेज होता है।
योग शारीरिक और मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के सहायक है। क्या है? आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।